आज हम बात कर रहे हैं देशी गाय के दूध के औषधीय गुणों के बारे में, जो आयुर्वेद में जिनका वर्णन है। देशी गाय का जो दूध है ये जीवनीय गुणों से युक्त है, प्राण धारण करने की इसमें बहुत अधिक क्षमता है। देशी गाय का दूध आपके शरीर के डी जनरेशन को स्लो डाउन करता है और री जनरेशन को बढ़ाता है। ये रसायन है, व्यवस्थापक है। जिस उम्र में आप देशी गाय के दूध को अच्छे से पीना शुरू करते हैं, सुबह शाम भले ही थोड़ी थोड़ी मात्रा हो, तो ये आपकी उम्र को वहीं पर रोक देता है। सिर्फ आपकी आपकी उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन आपका शरीर वैसे का वैसा ही दिखता है। ये क्षत को ठीक करता है, उरक्षत, बहुत ज़्यादा खांसने की वजह से, बहुत ज़्यादा पहले पुरानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से पोस्ट कोविड पेशेंट्स में आपके लंग्स को ये फिर से नया करने में सक्षम है। ये क्षय के रोगी को जो ट्यूबरकुलोसिस जैसी कंडीशन है, जहाँ पर हमेशा हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहता है, उसमें उसको ठीक करने में देशी गाय का दूध बहुत अच्छे से सक्षम है। ये मेद है, आपकी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आपके IQ लेवल को बढ़ाने वाला है। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं देशी गाय के दूध के अंदर मौजूद तत्व, और आपकी मेमोरी को बढ़ाना शुरू करते हैं, आपको हमेशा खुश रखना शुरू करते हैं। ये वर्ण्य को बढ़ाता है, ये वर्ण है कांतिकारक है, आपकी स्किन की क्वालिटी को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को टाइट करेगा, आपकी स्किन को लश्रस बनाएगा, आपकी स्किन को बहुत शाइनी और ग्लोइंग बनाएगा। इसके अलावा ये स्तन्यकर है, जिन महिलाओं को अभी बच्चा हुआ है और उनको ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है, तो अगर पूरी प्रेगनेंसी में या इवन प्रेगनेंसी के पहले से अगर वो देशी गाय के दूध का सेवन करती हैं, तो उनको बहुत अच्छा ब्रेस्ट मिल्क आता है, जिससे उनके बच्चों को बहुत अच्छा पोषण मिलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। ये सर है, वो एक जगह रुकने वाला नहीं है, पूरे शरीर में बहुत जल्दी फैलता है और पूरे शरीर को एक साथ पोषण देता है। सप्त धातु वर्धक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं को पोषण देने वाला है, पांचों महाभूतों को ये पुष्टि करने वाला है। इसके अलावा श्रम, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और थकने के बाद में आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में चाय, कॉफ़ी और दूसरे किसी भी ड्रिंक से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल देशी गाय का दूध है। ये श्रम हर है, ये भ्रम को ठीक करता है। बहुत बार हमारा दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, या फिर हमें एकदम से बैठ के और हम खड़े होते हैं तो हल्का सा चक्कर आता है। इस तरह की जो भ्रम जैसी कंडीशन है उनको ये पूरी तरह ठीक करता है। मद को ठीक करता है, अगर आपको हमेशा आलस जैसा लगता है या आपको किसी भी तरह का नशा करने की बहुत तेज लत लगी हुई है और आप चाहते हैं कि आपका नशा छूटे, तो देशी गाय का दूध अगर आप नित्य सेवन करते हैं, तो इसके सात्विक गुणों की वजह से किसी भी तरह के राजसिक और तामसिक जो ट्रैक है उससे आपका दिमाग हटता है और आप पूर्ण रूप से सात्विक होते हैं। इसको शास्त्रों में दारिद्र्य नाशक कहा है। अगर आप देशी गाय के दूध का नित्य सेवन करते हैं तो आप कभी गरीब नहीं रहेंगे। ये पूरी की पूरी जो हमारी लक्ष्मियों के स्वरूप हैं, 8 तरह की लक्ष्मी शास्त्रों में बताई गई, आदि लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, घर, मकान, गाड़ी, बच्चे और आपकी बात सुनने वाले, आपके अनुयायी, आपके अच्छे हित इष्ट मित्र, ये सभी के सभी जो हैं ये लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। ये सभी के सभी आपके जीवन को सुख और समृद्धि देने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले होते हैं। तो अथर्ववेद में वो कहते हैं कि अगर आप देशी गाय के दूध का नित्य सेवन करते हैं तो ये अलक्ष्मी नाशक है, सभी तरह से आपके अनुकूल ही आपके आसपास सब चीज़ें होने लगेंगी, ऐसी दिव्यता देशी गाय के दूध में है। ये श्वास का असर है, आपको नेजल कंजेशन है, थ्रोट कंजेशन है, लंग्स में कंजेशन है, थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल के और थोड़ा सा घी डाल के, थोड़ा सा गुड़ डाल के, अगर आप रोज रात में एक ग्लास देशी गाय का दूध या एक कप, अगर आपको देशी गाय कम दूध देती है कम पीजिए, अमृत जो है वो आपको पूरा भर के एक कटोरा पीने की ज़रूरत नहीं है, अमृत की एक बूंद ही काफ़ी है। और जो विष है वो, और विष के अलावा, इसके अलावा और जो दूसरे तरह के जितने भी दूध हैं वो आपके लिए इतने ज़्यादा पुष्टिदायक और इतने ज़्यादा हितकर नहीं है जितना देशी गाय का दूध है। तो ये श्वासहर है, ये कासहर है, आपको अगर बहुत बार प्यास लगती है बहुत ज़्यादा और आपका गला हमेशा सूखता है, सुबह आप उठते हैं और आपका मुंह सूखा हुआ रहता है, तो बहुत अच्छे से आपको इतनी ज़्यादा प्यास लगना भी बंद हो, आपका मुंह और आपकी इंटेस्टाइन, आपकी स्किन की ड्राइनेस ख़त्म हो, ये काम भी देशी गाय का दूध बहुत अच्छे से करता है। किसी किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, किसी किसी को बिल्कुल भूख नहीं लगती, तो ये दोनों ही कंडीशंस को सम स्थिति में लेकर आने वाला है। आपकी अग्नि को, जो 13 तरह की अग्नि आयुर्वेद में लिखी, पेट में भोजन को पचाने वाली जठर अग्नि, पांच महाभूतों के पोषण के लिए पांच धातु अग्नि, पांच भूताग्नि और सप्त धातुओं के पाचन के लिए सप्त धातु अग्नि, ये सारी की सारी 13 अग्नियों को बैलेंस करके पूरे शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने का काम देशी गाय का दूध करता है। एक उम्र के बाद
बाद हमें यूरिन की बहुत दिक्कत होती है, प्रोस्टेट की समस्या होनी शुरू होती है, यूरिन रुक जाती है, बहुत तेज प्रेशर आता है, करने जाते हैं थोड़ी थोड़ी होती है और करके बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है फिर जाना है। तो ये जो मूत्र कृच्छ वाली समस्या है या फिर छोटी मोटे पथरी पथरी जैसा आपको किडनी में जो यूरिनरी कैलकुलाई डेवलप होने लगते हैं, ये सारी कंडीशंस को देशी गाय का दूध बढ़ाता नहीं। देशी गाय का दूध आपके जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक को स्ट्रेंथ देता है, किडनी को स्ट्रेंथ देता है, यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रेंथ देता है और आपको बहुत अच्छे से हष्ट पुष्ट बनाता है। ये रक्त पित्त नाशक है। आपको शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होती हो, नेजल ब्लीडिंग, आपके गम्स में ब्लीडिंग होती हो, पाइल्स में ब्लीडिंग होती हो, महिलाओं को गायनेक प्रॉब्लम्स में मेनोरेजिया, मेनोमेट्रोरेजिया, बहुत सारी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, क्लॉट्स आते हैं, ये सारी समस्याओं को देशी गाय का दूध अकेले ठीक करने में सक्षम है। वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और देशी गाय का दूध पूर्ण रूप से सात्विक आहार है, तो इसका सेवन आप ज़रूर करिए। देशी गाय के दूध का दही जमा के, उसका मक्खन बिलोने से उसका मक्खन निकाल के और हम घी बनाते हैं और उसको द्रोण पुष्पी इत्यादि औषधियों के साथ हम तैयार करते हैं। माइग्रा नस्य, इसकी भी दो दो बूंद अगर आप अपने नाक में डालते हैं तो आपके कितने भी साल पुराना किसी भी कारण से आपका माइग्रेन हो, आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती हो, हाइपर एसिडिटी होती हो और वॉमिटिंग हाइपर एसिडिटी के साथ में आपको तेज़ लाइट से और तेज़ आवाज़ से बहुत इरिटेशन होता हो, 18-18, 20-20 साल के जो हमारे माइग्रेन के पेशेंट्स हैं, ये देशी गाय के दूध से घी बनाकर बने हुए इस अद्भुत माइग्रेनस से 100% ठीक हुए हैं। तो देशी गाय के पालन को हमें बढ़ाना है। देशी गाय सड़कों पर बैठी हुई है, ट्रक उस पर गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके पैर कट रहे हैं, उनके गले कट रहे हैं, उनको बहुत बहुत कष्ट में है देशी गाय। तो इतने अद्भुत अमृत तुल्य गुणों से भरपूर देशी गाय को हमें अपने घर पर वापस लेकर आना है कि चलो माँ घर चलें और ऐसी दिव्य औषधियाँ और ऐसे दिव्य गुणों से युक्त बहुत थोड़ी मात्रा में भी उसका जो दूध है वो अमृत है और अमृत हमेशा आपको अजर अमर करने वाला है। अजर अमर का मतलब जब तक आपका जीवन है तब तक आप स्वस्थ रहें, तब तक आप आत्मनिर्भर रहें, तब तक आप लक्ष्मी से पूर्ण रहें और आप बहुत प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। मैं वैद्य प्रज्ञान त्रिपाठी, MD आयुर्वेद, डायरेक्टर नर्मदे आयुर्वेदम पंचकर्म केंद्र एवं फार्मेसी उज्जैन से जय श्री महाकाल, जय आयुर्वेद, जय भारत।